नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। सभी बड़ी अपडेट जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में एंट्री। प्रियंका गांधी बोली, जनसैलाब ने दिखाया भारत जोड़ो का जत्था विशाल होता जा रहा है। खबर बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक चरण पूरा करने के बाद तेलंगाना में प्रवेश किया है। इस दौरान कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के नेताओं ने तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर भारत यात्रियों का भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट कर कहा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जनसैलाब ने दिखा दिया कि भारत जोड़ो का जत्था दिन पर दिन विशाल ही होता जा रहा है। जनता के इस अपार समर्थन से साफ है कि भारत जोड़ो के आह्वान और उन्नति के संकल्प को जनता बदलाव के लिए विकल्प के रूप में देख रही है। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है प्रियंका गांधी का। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को दिन पर दिन अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जितनी भी तस्वीरें सामने निकल के आती हैं भारत जोड़ो यात्रा से, उसके बाद बीजेपी यहाँ पर काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनसैलाब देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया गांधी से लेकर के संजय दत्त तक आनंद शर्मा भी करेंगे कैंपेन। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद जल्द ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय दत्त और आनंद शर्मा समेत 40 नेता हिमाचल में चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को बताते चलें, इस लिस्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल चुनाव में अपनी पूरी फौज उतार दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी को बताया है वोट कटवा तो अमित शाह ने दे दिया है मैसेज। कहा, हल्के में लेने की गलती कभी भी मत करो, पूरी बैठक में रहा है आम आदमी पार्टी पर ही फोकस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, तो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। पंजाब चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात पर रहा है, और ऐसे में भाजपा भी आम आदमी पार्टी की चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में आम आदमी पार्टी पर पूरा फोकस रहा है। आप लोगों को खबर बताते चलें, बीजेपी की एक बैठक के दौरान एक भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी को वोट कटवा करार देते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर के कहा है कि उस पार्टी से कोई बड़ा खतरा नहीं है और वास्तव में वह विपक्ष के वोट काटने का काम करेगी। ये यहाँ पर कहना था एक बीजेपी नेता का, जिस पर अमित शाह ने भाजपा नेता को फटकार लगाई और कहा कि उनके विपरीत वह 3 महीने आगे नहीं बल्कि 3 साल आगे की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर बीजेपी को आम आदमी पार्टी का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जानिए क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग चाबी वाला नड्डा।
किसके जवाब में चल रहा है ये ट्रेंड, आइए जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया है करारा हमला, सोशल मीडिया पर हैशटैग चाबी वाला नड्डा लगातार ट्रेंड हुआ, करीब 40,000 से भी ज्यादा ट्वीट अब तक इसको लेकर के हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये क्यों ट्रेंड हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी। आप लोगों को बताते चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई और वह कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, कर्नाटक के काफी कद्दावर नेताओं में उनको गिना जाता है। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा है जो कि काफी कद्दावर माने जाते हैं। खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा आईटी सेल से लेकर तमाम लोग ट्विटर पर एक ट्रेंड लेकर के आए। इस ट्रेंड को नाम दिया गया रिमोट वाला खड़गे। तमाम लोगों ने इस पर ट्वीट किया जिसमें बीजेपी के नेता शामिल रहे। इसके जवाब में कांग्रेस सहित तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर के एक ट्रेंड करवाया। इसे चाबी वाला नड्डा नाम दिया गया, जो कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद को लेकर के जो चुनाव करवाया है उसके चलते बीजेपी बैकफुट पर है। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी को निशाने पर लेने लगे हैं। आपको बताते चलें, फिलहाल हाल के समय में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के जरिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी को शरद पवार का बड़ा समर्थन, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस की चल रही भारत जोड़ो यात्रा को अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का भी साथ मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा है कि वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में पहुंचेगी। शरद पवार उसके बाद यात्रा से जुड़ेंगे। पवार का यह कदम राहुल गांधी के लिए बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इससे यह भी साफ होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ दूसरे दलों का गठबंधन को लेकर के क्या रुख रहेगा। इसके पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी साथ थे, और अब खबर आ रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी को अपना समर्थन भी उन्होंने दे दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जनता महंगाई से परेशान, केजरीवाल बोले लोगों को मुफ्त शिक्षा और बिजली मिलनी चाहिए, नेताओं को भी कई सुविधाएं फ्री मिलती हैं। खबर बताते चलें, देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर के पॉलिटिक्स जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रेवड़ी कल्चर के बढ़ावा देने वाले लोगों पर हमला किया था, जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला किया है। आप लोगों को बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा और बिजली मिलनी ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नेताओं को भी मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कितने लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए इस सरकार के द्वारा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के वीडियो को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ, बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए आखिर। उन्होंने कहा है कि नेताओं को भी तो इतनी फ्री सुविधाएं मिलती हैं, कितने अमीरों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए गए। बार बार मुफ्त रेवड़ी बोल करके जनता का अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे हमने आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।